हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स एंड कल्चर का वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि यूजीसी नेट में सवाल आया था और डायरेक्ट मेरे जो स्लाइड जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वहीं से ये सवाल आया था। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो सवाल कौन सा था जो डायरेक्ट हमारे स्लाइड से आया था और केवल मैंने ही यूजीसी नेट का केवल एक मैं ही टीचर था जिसने कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो देखिए ये सवाल था और ये जो हमारा स्टूडेंट है उसने ये क्वेश्चन लिख करके आया है और इसका आंसर जो है वो सही है। वेरी गुड। ठीक, तो क्वेश्चन था, आईडी था 1385 जो आप अभी भी देख सकते हैं। काउंटर जोसेफ आर्थर डी गोबिन्यू इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिन्यू, तो मैंने अपने स्लाइड में काउंट जोसेफ नहीं यूज किया था, मैंने आर्थर डी गोबिन्यू यूज किया था। आर्थर डी गोबिन्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्वास मानिएगा क्योंकि ट्रस्ट पर ही दुनिया टिकी हुई है और मेरे पुराने स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो सवाल है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इसका उत्तर यहां हमारी स्लाइड में है जिसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। ये ऐसी की ऐसी है इसे स्लाइड। स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय रेशियल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्थर डी गोबिन्यू ने सबसे पहले इसे एक साइंटिफिक आउटलुक दिया। क्या कहा कि जो ये रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। आर्थर डी गोबिन्यू 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक आउटलुक जो है हमारे सामने प्रेजेंट किया था और ये पहले थे जिन्होंने ये कहा था कि जो व्हाइट रेस होती है ना वो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होती है और इसलिए स्पोर्ट्स में भी ये सुपीरियर होती है। मतलब रेशियल सुपीरियरिटी की बात सबसे पहली बार 19th सेंचुरी में साइंटिफिकली आर्थर डी गोबिन्यू ने कहा था और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को हमारे ऊपर हमारे जो मटेरियल है हमारा जो कंटेंट है जो हमारी क्लासेस हैं वो समझने में मदद मिले और आप जल्दी से एनरोल करें इस क्लास को। खुशखबरी वाली बात यह है कि यूनिट वन जो है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं और जस्ट अभी यूनिट वन स्टार्ट हुई है। ठीक है, पहला थिंकर ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए क्लास को। एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, 9650052900 पर आपको कॉल करना होगा। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी पूछने के बाद आपका कॉल जो है वो कट जाता है, आपको रिटर्न कॉल आएगा। अगर आपको रिटर्न कॉल नहीं आता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना चाहिए जो कि है 7838517884। कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे, लेकिन हाँ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मुझे अपना नंबर लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मुझे रिटर्न कॉल रिसीव नहीं हुई है तो फिर मैं आपका 100% एनरोल करा दूंगा बैच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नस्लीय सामाजिक संबंधों की विशेषता हमेशा से रही है आर्थर डी गोबिन्यू कहते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्थर डी गोबिन्यू ने दिया था। नस्ल के आधार पर इन्होंने बताया था कि स्पोर्ट्स में सुपीरियर होते हैं व्हाइट रेस यानी श्वेत नस्ल के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं बाकी लोगों से, इसीलिए स्पोर्ट्स में भी खेल में भी वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ऐसा आर्थर डी गोबिन्यू ने कहा था। और सवाल देखिए यूजीसी नेट का यही सवाल आया और आपको टिक करके आना था रेशिज्म यानी नस्लवाद और हमारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर करके आए। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो क्लासेस होती हैं दूसरी क्लासेस से अलग होती हैं और हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसलिए क्वालिफाई करते हैं। तो जल्दी से क्लास को, अगर आप भी जेआरएफ करना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, तो 4 महीने हैं आपके पास, ठीक है, चीजों को बदलने के लिए।
ठीक, जिनसे आप पीछे छूट गए हैं उन्हें कवर करने के लिए आपके पास 4 महीने हैं। इस 4 महीने का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अपना एम JRF रखिए, ड्रीम बिग, ड्रीम JRF, और जल्दी से क्लास को एनरोल कर लीजिए। फटाफट से 9650052904 पर कॉल कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लाइक भी इस वीडियो को कर लीजिएगा एक बार और शेयर बहुत बार कर दीजिएगा। थैंक यू।